जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि आज मजेदार क्लास होने जा रही है। वो है हमारी सांझा। सांझा यानी कि हम कह सकते हैं आपके सामने पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। अब ध्यान से सुनिएगा और इन क्वेश्चंस को दोनों क्लासें लगाई तो लाइफ झींगा लाला। तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी स्टार्ट करें, अपना आंसर जो है वो कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। राम और श्याम 60,000 और 80,000 रुपया लगाया। राम ने कितना लगाया? 60,000। एक ये राम लिख लो ना और साथ में लिख लो श्याम। एक ने लगाया 60,000 रुपया और एक ने लगाया 80,000 रुपया, ठीक है जी। परंतु 6 महीने के बाद राम ने 4,000 रुपए और निवेश कर दिए। 4,000 रुपए और निवेश कर दिए और 9 माह बाद श्याम ने 2,000 रुपए वापिस कर लिए। तो वर्ष के अंत में उन्हें 93,000 रुपए, कितने? 93,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो प्रत्येक लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना सबको प्रॉफिट हुआ है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो दोनों ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया है वो देखिए। 6 महीने तक, यहां तक देखिए, यहां तक, ठीक है। 6 महीने तक पैसा लगाया है तो गुणा 6 कर दीजिए दोनों को ही, ठीक है, क्लियर है इतना। 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6×6=36, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और 8×6=48, इतना क्लियर है जी, इतना क्लियर है जी। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो टोटल पैसा कितना हो गया जी इन्वेस्टमेंट का? 9,60,000 रुपया, ठीक है जी। कितना हो गया जी? 9,60,000 रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी 6 महीने की। कितने की होगी? 6 महीने की होगी, 60,000 के हिसाब से, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, ध्यान से, मुझे लग रहा है ये इस तरीके से लंबा हो जाएगा दोनों की इन्वेस्टमेंट, आप दूसरे तरीके से कर लो इसको। इसको क्या करो, ये तो ठीक था, ये भी ठीक ही था। 2 मिनट मैं फिर से इसको फिर से कर ही देता हूं आपके लिए, कोई इशू नहीं है। 6 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना हुआ था? 3,60,000 रुपये, ठीक है जी। 6×6=36, ये आ गया आपका। और इसका मैंने आपको कितना बताया बेटा? 80,000 था, ठीक है, जिसको हमने 6 से किया था, 8×6=48, पर दोनों का टोटल नहीं करते हैं, ठीक है जी। अब ये तो इसने लगाया, इसके बाद इसने क्या किया? 4,000 रुपया और लगाया, जो कि 9 महीने के लिए लगाया। कितने महीने के लिए लगाया? 9 महीने के लिए लगाया, यानी कि 9 महीने का लगाने का क्या मतलब हुआ, ये इशू है मेन, ठीक है। अब 9 महीने का लगाने का मतलब हुआ, सॉरी, 6 माह बाद राम ने 4,000 रुपए लगाए, यानी कि जो उसने 6×4=10 हो गया, अब 10,000 रुपया उसने, नहीं सॉरी, 1,00,000 हो गया ना, 1,2,3,4,5, 1,00,000 रुपया हो गया
जो कि उसने 6 महीने अगले 6 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि 6 महीने के बाद लिए हैं, तो कितना हो गया इसका? छ लाख हो गया, ठीक है जी। अब टोटल कितना हो गया, अब इसको प्लस कर लीजिए, ये एक बंदे की इन्वेस्टमेंट आपकी निकल जाएगी 9,06,309 हो गए ना, 60,000, ये एक बंदे की इन्वेस्टमेंट निकल गई। इतना समझ आया है सबको? इसी प्रकार से हमने दूसरे बंदे की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, उसने क्या किया है 9 माह बाद, मतलब 9 महीने तक तो चलता रहा है, ठीक है, उसने 2,000 रुपया ऐड किया है, हमने 6 महीने का निकाला था, ठीक है। यहां पर ये मिस्टेक हुई है, कहां पे हुई है, 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने पर हमने आगे का क्वेश्चन नहीं अगर स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक आएगी, तो हमें जो है यहां पर 6 महीने का नहीं निकालना है प्यारे बच्चों, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा उस व्यक्ति ने 9 महीने के बाद चेंजिंग की है, तो इसलिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 × 9 = 72, इतना क्लियर हुआ, ठीक है जी। इसके बाद उसने 2,000 रुपये वापिस कर लिए, यानी कि उसने वापिस ले लिए 2,000 रुपये, यानी कि जहां वो 20,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 60,000 रुपये रह गए ना उसका, लग रहा है वो कितने महीने तक लग रहा है, वो 3 महीने, क्योंकि हमने 6 6 कितने हुए 12, हमने 9 और 3 12, 60,000 रुपया उसने कितने समय के लिए लगा दिया, उसने लगा दिया अगले 3 महीने के लिए, तो 6 3 18 ये आएगा होगा। इतना समझ आया? तो अब इसने टोटल पैसा कितना लगाया, 72 और 18 कितना हो गया, 72 यानी कि 7,20,000 और 1,80,000, 7 × 1 हो गया 8,80,000, में 20,000 डाले तो 8 × 1 = 9,00,000, तो पूरा का पूरा पैसा कितना हो गया इसका, टोटल पैसा बच्चों, टोटल पैसा कितना हो गया सर, 9,00,000। इतना समझ आया? इससे हमने क्या कर लिया, इससे हमने ये कर लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमने ये इसकी निकाल ली, कि टोटल इन दोनों ने जो है राम ने और श्याम ने एक साल में कितना पैसा लगाया है। तो एक का हो गया आपका, मैं फिर से लिख रहा हूं, राम और श्याम, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, तो 3, ठीक है, 9,00,000, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब 0 कैंसिल करने हैं, 4 0 4 0, अब रह गया 96 और इधर रह गया 90। अब इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, और या और छोटी रेशो में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हम पर ही डिपेंड रहता है कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि 4 से करते हैं, 4 × 2 = 6 से चल जाएगा, 6 × 6 = 36 और 6 × 6 = 6×5 = 30, ठीक है जी। 16 और 15 आगे ये हो गया हमारा रेशियो में कन्वर्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, टोटल रेशियो होगी 31। अब हम पैसे पे आ गए, अब प्रत्येक को निकालना हो तो हरेक का, जैसे राम का अगर पैसा निकालना है तो 16 / 31 × कितना आएगा, 93,000, ठीक है, 31 × 93 यानी कि 16 × 3 = 48। अच्छा, श्याम का अगर निकालना हो तो कैसे होगा बेटा, 15 / 31 × 93,000, तो कितना आ जाएगा, 3,000 और 15 × 3 = 45,000, तो एक को 48,000 मिलेगा और एक को 45,000 मिलेगा, ये इसका सही आंसर होगा और आपके सामने सोल्यूशन आ गया। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्लियर है जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेस बनाने वाले क्वेश्चन है,
फिर से देखिए, करीना, करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियों ने 25,000, 40,000, 30,000 रुपए एक सांझे में एक धंधा शुरू किया। 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 रुपया और निवेश किया। करिश्मा ने 6 महीने के बाद 10,000 रुपया वापिस कर लिया, जबकि सलीमा ने 8 महीने के बाद निवेश किया। तो वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ, करीना का लाभ वांश ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको करीना पूछा है तो करीना से मतलब होना चाहिए, मगर जब हमें तीनों की रेशियो पता होगी तो ही तो हम क्वेश्चन चला पाएंगे। इसलिए हमें तीनों की रेशियो चलानी पड़ेगी। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप करीना को निकाल दीजिए। करीना का आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, करीना ने कितना इन्वेस्ट किया है, 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, और करीना को ने जो है 4 महीने के बाद, यानी कि 25,000 रुपया उसने 4 महीने चलाया, उसके बाद 4 महीने के बाद 15,000 रुपया और निवेश किया, यानी कि 25,000 में आपका 15,000 रुपया और जमा कर दीजिए, 5 आया तो आपका हो गया 30 और 10 कितना हो गया जी? जी सर बिल्कुल सही, 40,000। ठीक है जी, 40,000 प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, 40,000 उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। कितने महीने के लिए लगाई थी उसने? 4 महीने के बाद, यानी कि लेफ्ट मंथ कितने बच गए बेटा? 8। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 25,000 को 4 से, 25,000 का 4 कितना हो गया? 1,00,000, और इसका हो गया 8×4=32, यानी कि 3,20,000 ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो 1,00,000 ही हो गया 3,00,000, तो टोटल हो गया 4,20,000। आई होप कि इतना आपको समझ आ रहा है कि टीचर क्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा होगी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी अकेली करीना की। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे करिश्मा। इसका करिश्मा, ठीक है, करिश्मा तो हो ही जाएगा। देखिए आप जब क्वेश्चंस अच्छे से समझेंगे तो आप वीडियो की तरह नहीं समझेंगे, आप इसको एक क्लास की तरह समझेंगे। इसने 4 महीने तक को तो पैसा दिया है, ठीक है, करिश्मा ने नहीं, 4 कहां पे भैया, 6 महीने के बाद किया है, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी 6 महीने तक तो चला है। 6 महीने के बाद 10,000 रुपया, 10 ही है ना जी, 10,000 रुपया वापिस कर लिया, जहां पे 40,000 था वहां से उसने 10,000 वापिस ले लिया है। तो 10,000 अगर में से वापिस ले लेगी तो कितना रह जाएगा बेटा? 30,000, और कितने समय के लिए रह जाएगा? 6 है तो 6, यानी कि 12, तो 30,000 × 6, इतना क्लियर है जी? जिसको समझ ना आए कमेंट जरूर करिएगा। दोनों को प्लस कर लीजिए, 24,000 नहीं, 2,40,000 और 1,80,000। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा? 4,20,000 कितना हो जाएगा जी? 4,20,000। ऐसे ही आपको तीसरे का भी निकालना पड़ेगा। तीसरी सहेली का नाम था सलीमा। अब इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 30,000 रुपए की। कितने की? 30,000 रुपए की धंधा शुरू किया था, और जबकि 8 महीने के बाद इसने 20,000 रुपया निवेश किया, यानी कि 8 महीने ये रह गया प्लस, यानी कि 20,000 डाल दिया तो 30 तो था ही, 31 और 32, 32,000 रह गया। ठीक है जी, 32,000 कितने साल के लिए किया? 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने पहले हो चुके हैं तो 4 महीने बाद में फिर से आ जाएंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 8 × 3=24, ठीक है प्यारे बच्चों, साथ साथ में करते रहना है। 8 × 3=24, और 2,40,000 हो गया,
ठीक है जी, प्लस एक लाख अट्ठाईस हजार, तो टोटल कितना हो गया, इसको प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो टोटल बन जाता है यहां पे 32 नहीं होना था, यहां पे 2000 रुपया थोड़ी डाला था, 20000 रुपया डाला भैया, यहां मिस्टेक हुई है प्यारे बच्चों, यहां मिस्टेक्ड है, ठीक है, यहां होगा आपका 30000 रुपये में 20000 रुपया भी निवेश किया है, ना कि 2000 रुपया, नहीं तो 31 और 32 तो 2000 हुआ ना, तो 20000 है, टोटल हो गया 50000, ठीक है, पांच चौके 20, तो कितना हो गया, ठीक है, अब क्लियर है, ठीक है, ये टोटल टोटल आपका बन जाएगा 2 लाख रुपया, तो 2 लाख का ये हो गया और 2 40 वो हो गए, तो 4 40 ये आपके इन्वेस्टमेंट आ गई तीनों की, ऐसे निकालनी है आपको इन्वेस्टमेंट, इतना समझ आ गया सबको, आई होप कि समझ आ रहा होगा, किसी को भी डाउट होगा तो बताइएगा। अब हम इन्हें तीनों को रेशो में बदलेंगे, किस किस को, 4,20,000, 4,20,000 और दोनों का 4,20,20 ही आया, फिर से 4,20,000 और 4,40,000। अब देख सकते हैं आपने ये तीनों की रेशियो ले ली है रेशियो में, अब ये हमने कैंसल आउट करना है प्यारे बच्चों, है ना, आपको पता है ना कैंसल आउट करना है, तो ये देखो मैं कितनी जीरो काट रहा हूं, 4 जीरो काट रहा हूं यहां से, ठीक है जी, इसके भी 4 जीरो, इसके भी 4 जीरो, तो रह गया 42 42 और 44। इतना समझ आया कि नहीं आया, अब इसको रेशियो में बदल लीजिए, 21 21 और 22, टोटल रेशियो कितनी होगी, 4 6 64 रेशियो होगी, ठीक है जी। अब आपको निकालना किसका निवेश है, करीना का, करीना यानी कि पहली वाली, ठीक है, तो करीना का निकालना है तो 21 बटा 64 मल्टीप्लाई वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, 1,28,000 का, ठीक है। अब 1,28,000 का अब इसको कैंसिल आउट करना है हमने, ठीक है जी, कैसे करेंगे जी, साथ साथ में करिए, सभी साथ साथ में करिए, चार से काटते हैं, 4 एकम 4 4 6 24 और 4 3 12 4 2 8 1 2 3 16 एकम 16 16 2 32 और 21 2 42 तो कितना मिलेगा जी, 42,000, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, 42,000 रुपया जो है वो इनको प्राप्त होगा, किसको, करीना को, जिसका पूछा होता है उसी का ही निकालते, तो मैंने इस वक्त सिर्फ करीना का निकाला है, अगर औरों का निकालना है तो सेम मेथड की तरह आपने इसको भी करना है। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से करिए, तीन साझेदार हैं, उन्होंने पूंजी लगाई है 8 महीने 10 महीने 12 महीने, क्योंकि सभी अपनी अपनी
हिसाब अपनी पहुंच के हिसाब से लगाते हैं और व्यापार पर प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। तो बताओ कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है, यानी कि उनकी पूंजी निकालनी है। तो कुछ नहीं है, यहां से ध्यान से देखिएगा, 1/8 ले लेना आपने, 1/10 ये वर्क एंड टाइम की जैसे ही होता है। अब पूरे की आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है रेशियो में बदलने के लिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, सभी ध्यान से निकालो एलसीएम निकालो। 60 एलसीएम आना चाहिए जी, कितना आ रहा है, 60 आ जा रहा है, ठीक है जी। 60 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है कि कितना आ रहा है, ध्यान से अपने हिसाब से निकालिए। मैं तो ऐसे बता रहा हूं अंदाजे से, 60 मुझे लग रहा नहीं है क्योंकि 8 है यहां पर, कैसे लेंगे, 8 है, 10 है और 12 है, 2 से 2 चौके 8, 2 पांच 10, 2 छीके 12, 2 से 2 दुनी 4, 5 2 3 6, यहां से 4 आ गए, यहां पे 10 आ गए, 3 30 हो गए, 6 4 12 120 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 120 का आपने अब निकालो, मल्टीप्लाई कर लो 120 को सभी के साथ, सीधा रेशियो में बदलेगा, कोई इधर उधर घूमने का नहीं। और नहीं है तो एक और भी तरीका था मेरे मन में पर मैंने बोला नहीं है, 4 2 8 4 3 12 जीरो, 2 से क्या तो 15, तो कितनी आ गई जी, 15 आ गई। इसको भी 120 से काटेंगे तो 0 से 0 गया, सीधा इसका 12, और इसको भी 120 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10, ठीक है जी, ये रेशियो में बदल गया, है ना इजी, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ जैसे अटपटा बन रहा है, उनको ऐसा कुछ नहीं था, मैं ये 1/8 1/10 और 1/12 इनको काट लो पहले ही, 4 2 8 नहीं 2 4 8 2 5 10 2 6 12 अब क्या आ गया, 1/4 1/5 1/6 अब इसका एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, है एक ही चीज बस बोल रहा था मैं, ये देखो इसका 10, इसका आ गया 12, इसका आ गया 15, फिर से रेशियो में बदल गया। ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप रेशियो में बदलने के लिए। तो ये तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये टाइप, ठीक है जी। तो आपने इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाएं सभी। इस क्वेश्चन को लगाएं, रेशियो बताएं, सभी अपने अपने मेथड्स पूरे डालें। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगा या ये लेवल बहुत टफ है, ऐसा नहीं आता है, एग्जाम्स में हर कुछ आता है, ठीक है जी। और अगर हम गणित की बात करते हैं तो ये इसका लेवल नहीं होता, इसका लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें इनको देखना चाहिए प्यारे बच्चों और इन्हें पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि बस हमारे एग्जाम में नहीं आना, ये तो अलग लेवल का चला गया। जैसे ए ने कितना पैसा लगाया, 1/2 वर्ष, बी ने कितने समय के लिए लगाया, 2 2 4 और 1 5/2 है तो उल्टा कर दो 2/5, सी ने लगाया 2 1 2 2 1 3 है तो 2/3 कर लो, ठीक है जी, क्लियर है। अब आपने नीचे नीचे वालों का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा जी, एलसीएम ले लो, सभी एलसीएम लीजिए, 30 एलसीएम ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 30 एलसीएम रहेगा जी, ठीक है। तो चल भैया, चल चल चल, तो 30 से इसको भी मल्टीप्लाई, 30 से इसको भी मल्टीप्लाई, 30 से तो कितना आ गया इसका, 10, यानी कि इसका आ गया 20, इसका आ गया 12, इसका आ गया 15,
आई होप कि आपको रेशियो में कन्वर्ट करना आ गया होगा। 12, 15 और 20, इजी की टफ? इजी की टफ आपको कैसा लगा आप जरूर बताना मेरे को। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। हमने ये चैप्टर्स जो है वो पूरा कवर कर लिया आज, और इस चैप्टर को पूरा आज फिनिश कर दिया है। आपने दो क्लासे हैं हमारी, ये पूरी दोनों लगाई होंगी, तो डेफिनेटली आपको जो है कोई भी मार नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस में, तो इसलिए पक्का इन क्लासेस को लगाएं। तीन व्यक्ति हैं क्रमशः 18,000, 15,000, 21,000 रुपए अलग अलग टाइम के लिए, समय के लिए लगाकर कुल प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए कि किस अनुपात में बंटेंगे पैसे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका बदल जाता है और कुछ नहीं है। ये पहला बंदा है, दूसरा है, तीसरे के लिए 18,000, 15,000 और 21,000। तीन जीरो तो पहले ऐसे कैंसिल कर देना बेटे, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और तीन से ये कैंसिल भी हो जाएंगे मेरे ख्याल से, तीन से तीन छी के 18, 3 5 15 और 3 7 21, यानी कि 1/6, 1/5 और 1/7। अब एलसीएम ले लो, अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो क्या एलसीएम आएगा इसका प्यारे बच्चों? 210 कितना आएगा, क्योंकि सभी प्राइम नंबर है, 210 ही आना चाहिए। 210, 6 से करते हैं, 6 6 18 6 5 30 35 ये आ गया। 210 से कर लो, 5 चौके 20 और 5 2 10 42, 21 इसका आ गया 30। क्लियर है कि नहीं है क्वेश्चन? क्लियर है कि नहीं है? पूछने का तरीका ही बदला है और कुछ नहीं है, सेम मेथड रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ट्राई करने हैं, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन कहता है एक व्यापार एबीसी द्वारा निवेशित की पूंजी 3:2:5 के अनुपात में है, समान लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजी किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, इक्वल में लगानी है, तो ये अनुपात पूछा। तो टोटल अनुपात कितना हो गया, ये कर लो, 3:2:5, टोटल अनुपात 10 हो गया होगा मेरे ख्याल से, नोट करना अनुपात कितना हो गया टोटल, 10। पर करिए करिए करिए, ध्यान से करिए, तो 10 पर हमें जो है अनुपात में निकालनी है, तो इसलिए कुछ ज्यादा 10 में नहीं करने की जरूरत है, रहने दो। 1/3, 1/5, सिंपल सिंपल है ये, तो आ रहा है भैया इसका 10 सीधा आ गया। मैंने सोचा था दूसरे वाला है, पर जितने हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम परफेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी और क्लियर भी हो गई होंगी। 10, 15 और 6 यही मैंने आपको आंसर दिया था। क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट तो होता है तो जरूर कमेंट करिए, और वीडियो में अगर कोई कमी आती है तो जरूर हमें जो है वो बताइएगा। और इसी प्रकार की जो वीडियोज हैं वो मैं आपके लिए और भी ज्यादा लेकर आऊंगा। आप वीडियो को शेयर करें और थोड़ा व्यूज बढ़ाएं हमारे, क्योंकि जितने व्यूज बढ़ेंगे उसी से हमें लाभ होगा और हमें प्रोत्साहन मिलेगा आपके देखने से और आपके कमेंट करने से कि बच्चों को पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी है। इसलिए अपना खास ख्याल रखिएगा, नई किसी वीडियो के साथ फिर से मैं मिलूंगा, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।